हेलो फ्रेंड्स, दुनिया का हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपनी सेना को मजबूत करने पर जोर देता है। ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए कई तरह के हथियारों की भी जरूरत होती है। दुश्मन को मार गिराने के लिए हर देश की सेना को फाइटर जेट से लेकर लेटेस्ट बंदूकें, तोप, मिसाइल, इन सभी की जरूरत पड़ती है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने जवानों की सुरक्षा के लिए न सिर्फ हथियारों बल्कि उनकी यूनिफॉर्म पर भी विशेष ध्यान देते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सरीखे देशों की सेनाएं अपने जवानों की हाईटेक यूनिफॉर्म्स के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो पेश है दुनिया की 6 सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनिफॉर्म्स जो किसी सुपर हीरो की ड्रेस से कम नहीं लगती। नंबर 1, फ्यूचर फोर्स वॉरियर अमेरिका। फ्यूचर फोर्स वॉरियर अमेरिका सेना की एक एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के तहत जवानों के यूनिफॉर्म पर विशेष ध्यान रखा गया था। इस यूनिफॉर्म की सबसे खास बात यह थी कि ये जवानों के लिए किसी कवच से कम नहीं थी। इसे एक खास मटेरियल से बनाया गया था। साल 2000 में इसकी शुरुआत 2010 और 2020 को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस यूनिफॉर्म को बनाने के लिए मैग्नेटिक रियोलॉजिकल लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर से बिल्कुल चिपक जाता है। अगर कोई जवान मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आता है तो ये लिक्विड चंद सेकेंडों में ही सख्त हो जाता है। मतलब अगर कोई गोली किसी जवान को लगती है तो ये कवच उससे बचा लेता है। इसके साथ ही इस यूनिफॉर्म में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है। नंबर 2, रेटनिक 3 रूस। रेटनिक 3 रूस की एक फ्यूचर युद्ध प्रणाली है। ये प्रणाली रूसी सेना की युद्ध क्षमता और एक दूसरे से कनेक्ट रहने की सुविधा को बढ़ावा देती है। रेटनिक के तहत जवानों को यूनिफॉर्म के अलावा खास तरह के हथियार, हेलमेट, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और हेडफोन्स दिए जाते हैं। इस दौरान जवानों की यूनिफॉर्म को एक्सोस्केलेटन के रूप में बनाया जाता है जिससे जवानों को किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होती। इस यूनिफॉर्म के एक्सोस्केलेटन या ढांचे को टाइटेनियम से बनाया जाता है। इसके अंदर बिजली का एक इंजन लगा रहता है जो चार्जिंग के साथ पूरे एक दिन तक चल सकता है। ये यूनिफॉर्म 50 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक के वातावरण में काम कर सकती है। इस यूनिफॉर्म के साथ जवान एक हाथ में मशीन गन और 150 किलो तक हथियार या गोलियां अपने साथ ढो सकते हैं। नंबर 3, फिस्ट ब्रिटेन। फ्यूचर इंटीग्रेटेड सोल्जर टेक्नोलॉजी यानी फिस्ट ब्रिटिश आर्मी का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य जवानों के युद्ध के तरीके को बेहतर करना और उन्हें युद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ चीजें उपलब्ध कराना है। इसके तहत हथियार, यूनिफॉर्म, रेडियो टेक्नोलॉजी, देखने के लिए सुविधाजनक यंत्र भी मुहैया कराए जाते हैं। ब्रिटिश सेना के जवानों के लिए बनाई गई इस यूनिफॉर्म के लिए डेवलपर्स ने ऐसे कपड़े का इस्तेमाल किया है जिस पर कंप्यूटर यंत्र भी लग जाता है जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है। नंबर 4, कॉम्फर्ट स्पेन। कॉम्फर्ट मतलब कॉम्बैटिनेट फ्यूचरो। स्पेन की GMV कंपनी स्पेनिश फ्यूचर कॉम्बैट प्रोग्राम के तहत जवानों के लिए बेहतर सुरक्षा यंत्रों का निर्माण करती है। इस योजना के तहत बनने वाली ये यूनिफॉर्म किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कवच जैसी लगती है। इस दौरान जवानों को इस तरह की बंदूकें दी जाती हैं जिनसे जवानों को गोली चलाने के लिए बंदूक को अपने चेहरे के पास लाने की जरूरत नहीं होती। इसके साथ ही फ्लेक्सिबल बुलेटप्रूफ जैकेट का इस्तेमाल भी होता है। इन यूनिफॉर्म्स में पसीना सोखने के लिए भी खास तरह के यंत्रों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, फेलिन फ्रांस। फ्रांस की सेना ने भी युद्ध के लिए अपने जवानों को बेहतर सुरक्षा कवच देने के लिए फेलिन यानी फेंटेसिन आई इक्विपमेंट्स एट लाइसेंस इंटीग्रस नाम का एक खास प्रोग्राम बनाया है। इसके जरिए जवानों के लिए जो यूनिफॉर्म बनाई जाती है उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला टेक्सटाइल बेहद खास होता है। ये यूनिफॉर्म पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और आग भी नहीं पकड़ती, साथ ही खून चूसने वाले कीटाणुओं से भी बचाती है। ये यूनिफॉर्म किसी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जवानों को छुपाने में भी काम आती है। इस यूनिफॉर्म के साथ एक खास तरह का हेलमेट भी दिया जाता है जिसमें मास्क होता है। ये मास्क गैस रिसाव या हवा में जहर से भी जवानों की रक्षा करता है। नंबर 6, IDZES जर्मनी। जर्मनी ने भी अपने फ्यूचर सोल्जर प्रोजेक्ट के तहत IDZES यानी इन्फेंट्रिस डर जुनूफ्ट प्रोग्राम का निर्माण किया है। इस प्रोग्राम के तहत जवानों को जो यूनिफॉर्म दी जाती है उसके साथ में एक पोर्टेबल मिनी कंप्यूटर भी दिया जाता है। इस कंप्यूटर के माध्यम से युद्ध के दौरान जवान अपने साथियों को, सेना की दूसरी टुकड़ी को और अपने चीफ के कमांड को आसानी से समझ पाते हैं। ये खास तरह की यूनिफॉर्म पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होने के कारण
बड़े धमाकों के बीच भी जवानों को सुरक्षित बचाने में कारगर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको किस देश की सेना की यूनिफॉर्म सबसे अच्छी और पावरफुल लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।